Greetings, welcome to another video of the Hindu vocab series and let us actually begin karne se pehle kuch kehna chahunga aaj. First of all, my name is Prashant Dhawan, nice to meet you all. Aur aaj is series ka 17th video hai. I think response has been good. Aap logo ko shayad ye baat pasand aa rahi hai ki hum directly from the newspaper rows words lete hain aur bahut hi tough words hote hain jo examination mein jinki aane ki probability kafi high hai. और उसके अलावा आपके और हमारे बीच में इंटरेक्शन भी काफ़ी अच्छा है. आप में से काफ़ी लोग ये भी चाहते हैं कि ये सीरीज़ एक साल तक कंटिन्यू रखें हम, विच आई एम रेडी टू डू, मगर इसमें हमें आपकी सहायता भी चाहिए होगी. अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करें, इसे हमारी वीडियोस को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के बीच, क्योंकि शेयरिंग में बहुत ताकत होती है. अगर आप ऐसा करते हैं तो यहाँ पर हम एक बड़ी कम्युनिटी बना सकते हैं ऑफ इंग्लिश लर्नर्स, जो अल्टीमेटली सबके लिए बेनिफिशियल होगी. So please consider sharing our videos and liking it and of course just support us. Thank you. Now let us begin. आज का पहला शब्द है ये. देखिए इस शब्द की जो प्रोनंसिएशन है उसमें मैंने देखा है कुछ लोगों को कुछ दिक्कत आती है. इस शब्द को कुछ लोग ट्वीलाइट भी बोलते हैं, जो गलत है. इस शब्द की सही प्रोनंसिएशन है ट्वाइलाइट, ट्वाइलाइट. इसको हिंदी में इसका मतलब होता है पतन. आपने बुजुर्गों को कई बार बोलते हुए सुना होगा कि समाज का पतन हो रहा है, तो यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि ग्रेजुअली डिक्लाइन कर रहा है हमारा समाज, ठीक है, मॉरली करप्ट हो रहा है वगैरह. तो ये तो एक वैसे यूज़ कर रहे हैं इस वर्ड को, ठीक है, पतन को. ट्वाइलाइट का मतलब होता है किसी भी चीज़ का ग्रेजुअल डिक्लाइन, ठीक है, नीचे की तरफ जा रही है वो चीज़. अब देखो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण शब्द है ये. याद रखिएगा कि सिनोनिम इसका एब भी हो सकता है, जिसका मतलब भी ग्रेजुअली डिक्रीज होता है. हाँ, तो याद रखिएगा ट्वाइलाइट एब, कहीं नोट डाउन कर लेना, एक नंबर का क्वेश्चन इससे आ सकता है. सेंटेंसेस में कैसे यूज़ करते हैं सबसे बढ़िया यहाँ से समझ में आएगा. तो पहला सेंटेंस है इन द ट्वाइलाइट ऑफ हिज ईयर्स. देखो यहाँ पर बुढ़ापे की बात की जा रही है, ठीक है. ट्वाइलाइट ऑफ हिज ईयर्स मतलब जब वो काफ़ी बूढ़ा हो गया था, ठीक है. ही नाउ हैज़ ट्रबल बोथ वॉकिंग एंड सीइंग. किसी को भी होगा बुढ़ापे में चलने में और देखने में तकलीफ होती है, दिक्कत आती है. तो उसके अलावा आप किसी के करियर के बारे में भी कह सकते हैं. शाहिद अफरीदी है ये पाकिस्तानी क्रिकेटर, ठीक है, तो इनके बारे में आप कह सकते हैं शाहिद अफरीदी इज़ इन द ट्वाइलाइट ऑफ हिज करियर. अब आई थिंक पता नहीं 39 के आसपास के हो गए हैं, इतना बढ़िया नहीं खेल पाते जितना एक समय में खेलते थे. या कोई एक्टर हो, अजय देवगन, सॉरी कोई अजय देवगन के फ़ैन हो तो, बस सेंटेंस बना रहा हूँ मैं, ठीक है, मेरा ओपिनियन नहीं है. अजय देवगन इज़ इन द ट्वाइलाइट ऑफ हिज करियर, बूढ़े हो चुके हैं तो अब उनका करियर ये पतन में है, ढलान में है. तो फाइनली आप ये भी कह सकते हो इन द ट्वाइलाइट ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्वयुद्ध के अंत में, ठीक है, जब वो ख़त्म होने वाला था, काफ़ी सारे नाजीज, हिटलर की पार्टी के जो लोग थे उनको नाजीज कहते थे, वो अर्जेंटीना भाग गए, क्योंकि वहाँ से एक तरफ से यूएसएसआर का हिस्ट्री की बात आ रहा है वो अलग छोड़ो. तो ये यहाँ पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ख़त्म होने पे भी आप ट्वाइलाइट इस्तेमाल कर सकते हैं. सेंटेंस भी बनाइएगा इस पे, आज काफ़ी इंटरेस्टिंग सेंटेंस बना सकते हैं. एज ए नाउन यूज़ करिएगा इसको. अगला शब्द है पेडांटिक. पेडांटिक देखो इसका मतलब होता है ओवर स्क्रूपुलस, मतलब ज़्यादा ही परफेक्शनिस्ट. परफेक्शनिस्ट से भी कई गुना आ गया, ज़रूरत से ज़्यादा छोटे छोटे डिटेल्स पे कॉन्सेंट्रेट करने वाला, जो ऑफ कोर्स नेगेटिव वे में होगा, ज़रूरत से ज़्यादा. तो आप इसको सेंटेंस में कह सकते हो. पहले तो यहाँ पे द हिंदू में कैसे यूज़ कर रहे थे ये देखते हैं. यहाँ पे लिखा है द गाइडलाइन डज इनडीड अटेम्प्ट टू सजेस्ट द मैनर इन विच इवेल्युएशन शुड बी डन, बट इट अपीयर्स टू बी मोर पेडेंटिक दैन प्रैक्टिकल. तो इवेल्युएशन की बात की जा रही है कि मतलब प्रैक्टिकल से ज़्यादा पेडेंटिक है, ज़रूरत से ज़्यादा ही माइनर डिटेल्स पे फोकस करती है, इतनी ज़्यादा जो मेन चीज़ पर जिस पर फोकस करना चाहिए उस पर नहीं फोकस कर रही. तो यहाँ पे सेंटेंसेस में आप इसको यूज़ कर सकते हैं. क्रिकेट, अब हम सब क्रिकेट को पसंद करते हैं, मैं तो करता ही हूँ, मगर उसकी एक रेपुटेशन है कि कोई भी नया इंसान हो, कोई नया फ़ैन हो क्रिकेट का, उसको आपको रूल समझाने हो कि LBW क्या होता है कि वगैरह, तो समझाने में बहुत दिक्कत आएगी, क्योंकि क्रिकेट के रूल्स बड़े ही कंफ्यूजिंग और पेडांटिक होते हैं. कई बातें आपको ओवर द टाइम समझ में आती है, ठीक है,
तो ये एक तरीका हो गया इसको यूज़ करने का, क्रिकेट रूल्स पेडांटिक है। उसके अलावा आप ये भी कह सकते हो हिज एनालिसिस आर केयरलेस एंड इवन पेन्स टेकिंग बट नेवर पेडांटिक। तो यहाँ पे आप कह रहे हो कि कोई एक बंदा बहुत ही ज़्यादा एनालिसिस कर रहा है, वो केयरफुल है और काफ़ी हद तक कुछ पेन्स टेकिंग भी होता है, मगर कभी भी पेडांटिक नहीं होता, ज़रूरत से ज़्यादा माइनर डिटेल्स पे बिना बात पे फोकस नहीं करता, काम की उसकी एनालिसिस होती है, ठीक है। केयरफुलनेस जो भी है उसकी, वो सब इम्पॉर्टेंट है। सो दिस इज़ पेडांटिक। अगला शब्द है एपिथेट्स। एपिथेट्स देखो, इसका मतलब समझाने से पहले द हिंदू में इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं इसको ये देख लेते हैं, काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा यहाँ से। तो पहले डोनाल्ड ट्रंप की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं यहाँ पे, उन्होंने पहले तो मीडिया को खड़ी खड़ी सुनाई, काफ़ी न्यूज़ चैनल्स को उन्होंने फेक न्यूज़ बोल दिया कि ये गलत न्यूज़ लोगों को बताते हैं। आगे लिखा है कि ही रिफ्यूज्ड टू आंसर क्वेश्चंस फ्रॉम सर्टेन न्यूज़ चैनल्स, काफ़ी न्यूज़ चैनल्स के आंसर ही नहीं दिए उन्होंने। फिर मेन चीज़ आती है एंड हर्ल्ड द यूजुअल एपिथेट्स एट द प्रेस इंक्लूडिंग डिसाइटफुल डिसऑनेस्ट एंड लायर्स। तो देखो, एपिथेट्स होते हैं एक ऐसा एडजेक्टिव जो आप एक पर्सन को देते हो ज़्यादातर उसको क्रिटिसाइज करने के लिए, ज़्यादातर उसके नाम के पीछे लगता है ये, ठीक है। फॉर एग्जांपल वो काफ़ी बार ट्रम्प कहते हैं डिसऑनेस्ट मीडिया, मीडिया क्या है डिसऑनेस्ट, तो उन्होंने एक एडजेक्टिव दे दिया मीडिया को डिसऑनेस्ट मीडिया, और उसको ऑफकोर्स क्रिटिसाइज करने के लिए। या फिर आप कहोगे किसी को यू नो लायर CNN के CNN झूठ बोल रहा है वगैरह ऐसे करके। तो अब एग्जांपल से और समझाता हूँ सेंटेंस से। यहाँ पे देखोगे पहला सेंटेंस है whenever I think of that elderly man's 20-year-old wife the epithet gold digger comes to mind। अच्छा, ये भी समझाना पड़ेगा। देखो, जब भी मैं उस बूढ़े आदमी की 20 साल की जो बीवी है उसके बारे में सोचता हूँ तो एक एपिथेट गोल्ड डिगर, गोल्ड डिगर क्या होता है, गोल्ड डिगर देखो वैसे यूज़ करना तो नहीं चाहिए, इतना इनफॉर्मल सा है, बट कहते हैं कि जरे कोई यंग लड़की किसी अपनी एज से बहुत ही बड़े आदमी से शादी कर ले प्राइमरीली पैसे के लिए, तो उसको गोल्ड डिगर कहते हैं। हालांकि ज़रूरी नहीं है कि एज से बड़ा भी हो, वैसे भी अगर उससे लुक्स में इन्फीरियर है, ठीक है, और सिर्फ पैसे के लिए उसे शादी कर रही है, तो शी इज़ अ गोल्ड डिगर कहा जाता है। तो ये एपिथेट हुआ, सीधी सी बात है, उसको क्रिटिसाइज़ करने के लिए मैं कह रहा हूँ कि वो 20 साल की लड़की एक गोल्ड डिगर है, ये एपिथेट हो गया गोल्ड डिगर। और समझाता हूँ, आप कह सकते हो ड्यूरिंग द वॉर द क्रूअल जनरल अर्नड द एपिथेट ऑफ डॉक्टर डेथ, क्योंकि उसने कई हज़ार लोगों का खून किया था। बांग्लादेश लिबरेशन वॉर जो थी 1971 की, तो उसमें बांग्लादेश में पाकिस्तान का एक जनरल था टिक्का खान, गूगल में सर्च करना कभी, अजीब सा नाम है टिक्का खान, तो उसको एपिथेट दिया गया था द बुचर ऑफ बंगाल या बांग्लादेश। हाँ, तो उसने वहाँ पे बहुत लोगों को मारा था, बहुत मतलब कहते हैं कई हज़ार लोगों को उसने मरवा दिया था, तो टिक्का खान को एपिथेट दिया गया। तो ऐसे एपिथेट दिए जाते हैं, एक एडजेक्टिव ऑफ सम सॉर्ट जो उस इंसान को डिस्क्राइब करता है उसको क्रिटिसाइज़ करते हुए, हालांकि बिना क्रिटिसाइज़ किया हुआ भी एपिथेट हो सकता है, कई लोग यूज़ भी करते हैं, मगर इसको नेगेटिव वे में ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ठीक है, वो थोड़ा ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल इंग्लिश में आ जाता है। तो ज़्यादातर इसको थोड़ा किसी को क्रिटिसाइज़ करना है उसके लिए एडजेक्टिव यूज़ करना है तो यूज़ करना है इसको। अगला शब्द है गैफ्स। गैफ्स देखो, यहाँ पर उसी जो आर्टिकल था उसी में से लिया ये। तो पहले तो एपिथेट्स उन्होंने सुनाया मीडिया को, डिसाइटफुल ये और डिसऑनेस्ट वगैरह खूब सारे। उसके अलावा बाद में उन्होंने कुछ अनट्रू स्टेटमेंट्स भी बोली और साथ में उनसे कुछ एम्बेरसिंग गैप्स भी हो गए। गैप्स होते हैं भारी भूल, ब्लंडर। तो उन्होंने एक्चुअली कुछ गलत फैक्ट्स बोल दिए थे, उसकी वजह से तो एक प्रेजिडेंट के लिए तो वो ब्लंडर ही हो गया। सेंटेंस में आप कह सकते हो बिकॉज ऑफ द क्वार्टरबैक्स गैप आर टीम लॉस्ट द बिग गेम। क्वार्टरबैक था, उसने कुछ ब्लंडर कर दिया, कुछ उससे चूक हो गई, और चूक नहीं सॉरी भारी गलती हो गई उससे, और उसकी वजह से हम गेम हार गए। और सबसे बढ़िया सेंटेंस ये है मेरे हिसाब से, बिकॉज यू आर ह्यूमन यू आर बाउंड टू मेक अ गैप एवरी नाउ एंड देन। इंसान हो तो ब्लंडर तो होंगे ही होंगे, दैट इज़ पार्ट ऑफ बीइंग अ मैन। और आप ये भी कह सकते हो, ये बहुत ही फेमस कोटेशन है, अ गैप इज़ वैन अ पॉलिटिशियन टेल्स द ट्रुथ।
एक फनी सी कोट है, क्योंकि देखियो पॉलिटिक्स में तो ये मानते हैं सच कभी बोलना नहीं चाहिए, एक मजाक के रूप में बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ पर अगर किसी नेता के मुंह से सच निकल जाता है तो सब कहते हैं ब्लंडर हो गया इससे, तो क्योंकि नेताओं को तो सिर्फ झूठ ही बोलना है। तो अ गैफ इज़ वेन अ पॉलिटिशियन टेल्स द ट्रुथ, सो याद रखिएगा गैफ्स। अगला शब्द है नार्सिसिस्टिक। देखो यहाँ पर इसको द हिंदू में यूज़ कर रहे हैं, द 45th प्रेसिडेंट्स डिसडेन, डिसडेन हमने डिस्कस कर रखा है, आपको याद होगा, डिसडेन फॉर पॉलिटिकल करेक्टनेस, हिज टेंडेंसी टू साउंड नार्सिसिस्टिक एंड हिज लैक ऑफ कंसर्न एट बीइंग कॉट व्हाइल स्पीकिंग अनट्रुथ्स। तो पहले तो यहाँ पे कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप कुछ नार्सिसिस्टिक से सुनाई देते हैं, जरे बात करने का उनका तरीका है। तो इसका मीनिंग क्या होता है नार्सिसिस्टिक का? इसका मीनिंग होता है एक ऐसा इंसान जो ज़रूरत से ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाए अपनी खुद की एडमिरेशन में, खुद की तारीफ़ों पे, या जो खुद का जो अपीयरेंस है उस पर ज़्यादा ही उससे ही ऑक्यूपाइड हो उसका माइंड, कि मैं दिखता कैसा हूँ वगैरह, अपनी तारीफें करता रहे। तो ये शब्द वजूद में कैसे आया? देखो ग्रीक फिलोसफी में नार्सिसस करके एक बंदा था, वो उसको क्या हुआ कि एक दिन वो बहुत सुंदर था, तो पर सुंदर के साथ साथ उसको अपनी खूबसूरती पे बहुत ही ज़्यादा गुरूर भी था, खुद ही की खूबसूरती में डूबा रहता था। तो एक कहानी सी है, एक लड़की थी एको करके, तो उसने उसको रिजेक्ट कर दिया था, और वो पूरा लंबा हो जाएगी वीडियो, काफ़ी लंबी कहानी है। तो बाद में क्या हुआ कि वो एक तालाब में ना अपनी परछाई देखने के लिए बैठ गया और अपनी परछाई निहार रहा था, क्या सुंदर हूँ मैं, नाक वगैरह कितनी अच्छी है, पूरा कलर वगैरह सब। तो निहारते निहारते इतना खो गया कि गलती से तालाब में ही गिर गया वो, और वहाँ पर गिर के उसकी मौत हो गई। तो वहाँ पर फिर जब मर गया तो एक फूल निकला वहाँ से, जिसका नाम उन्होंने उसी के नाम पे रख दिया नार्सिसस। तो उसी के नाम पे आगे एक शब्द भी चल रहा है इंग्लिश भाषा में, नार्सिसिस्टिक, अपनी फिजिकल अपीयरेंस पे ज़्यादा ही यू नो ऑक्यूपाइड रहने वाला। तो आप इसमें सेंटेंस में भी यूज़ कर सकते हो, पॉलिटिक्स अट्रैक्ट्स अ सर्टन टाइप ऑफ गाय, द नार्सिसिस्टिक शोमैन, हंगरी फॉर अटेंशन, होल्डिंग द सेंटर स्टेज। पॉलिटिक्स में देखिए खास तरीके के आदमी को ही वहाँ से वो पॉलिटिक्स अट्रैक्ट करती है, एक ऐसा आदमी, एक नार्सिसिस्टिक शोमैन जो अटेंशन के लिए भूखा हो, सब मेरे को देखे, मैं बीच में खड़ा हूँ, सब सुन रहे हैं मेरी बात, ठीक है। सो दैट इज नार्सिसिस्टिक। अगला शब्द है रेंच। रेंच वर्ब है, क्रिया है। तो देखो यहाँ पे यूज़ कैसे कर रहे हैं, ता हिंदू में इस यहाँ पे लिखा है, यर सोशल मीडिया क्वासी मीडिया एंड ब्लॉग्स हैव रेंच्ड एन एसेंशियल पावर अवे फ्रॉम मेन स्ट्रीम मीडिया। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो देखो यूएस में कह रहे हैं कि जो छोटे छोटे सो कॉल्ड यूट्यूब न्यूज़ चैनल्स हैं ना, उन्होंने काफ़ी हद तक बड़े बड़े न्यूज़ चैनल जैसे CNN, NBC वगैरह, उनसे जो पावर है वो छीन ली है, पुल कर दी है, ठीक है, वॉलेंटली छीनी है। तो रेंच का ये मतलब होता है अ सडन वॉलेंट ट्विस्ट और पुल, ठीक है, बिल्कुल उनसे झपट ली है। सिंपल वर्ड है, ज़्यादा कुछ इसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप कह सकते हो ही रेंच्ड द लेटर फ्रॉम माई हैंड, छीन लिया उसने, ठीक है, या ये कह सकते हो ही ग्रैब्ड द डोर नॉब एंड रेंच्ड द डोर ओपन, पूरा खींच के उसने दरवाज़ा खोल दिया। तो यहाँ पर US इलेक्शंस वगैरह से रिलेटेड है कि किस तरीके से वहाँ पर जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसको साइडलाइन किया है, जो इनके अकॉर्डिंग सोशल मीडिया ब्लॉग्स या क्वासी मीडिया जो भी है, तो उसने, तो दिस इज रेंच। अगला शब्द है स्कॉर्न। देखो इसका मतलब होता है एक ऐसी फीलिंग या एक्सप्रेशन जिसमें आप बहुत ही कंटेम्प्ट या डिसडेन, याद है डिसडेन डिस्कस किया था, घिन आना वो दिखाते हो, स्कॉर्नफुल लुक। तो ये अमेरिका के पूर्व वाइस प्रेसिडेंट है जॉर्ज बुश की एरा के, सॉरी एरा, ये डिक चेनी है, तो इनकी शक्ल पे आप देख सकते हो स्कॉर्नफुल लुक क्या है, लग रहा है घिन आ रही है उनको किसी को देख के। तो आप सेंटेंस में भी इसको यूज़ कर सकते हो, व्हेन शी सॉ माई न्यू हेयर कट माई एक्स गर्लफ्रेंड जस्ट लाफ्ड स्कॉर्नफुली एंड सेड नाइस हेयर कट डिड यू डू इट योर सेल्फ। ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, तो मतलब किसी की एक्स गर्लफ्रेंड ने उसका नया हेयर कट देखा और उसको देख के हंस पड़ी और बोला सार्कास्टिकली ऑफ कोर्स, नाइस हेयर कट, और कैसे हंसी, स्कॉर्नफुली, घिन के साथ। तो एक्स गर्लफ्रेंड के साथ ऐसे ही रिश्ता होता है। और फाइनली सेंटेंसेस में और आप यूज कर सकते हो उसको, आप द यंग बॉय वॉज ट्रीटेड विथ स्कॉर्न बाय हिज टीममेट्स व्हेन ही क्राइड आफ्टर ही गॉट आउट फॉर अ डक। तो क्रिकेट में 0 पे आउट हो जाओ तो कहते हैं ही गॉट आउट फॉर अ डक, तो 0 पे आउट हो गया, वापस आया, सारे टीममेट्स उसको स्कॉर्न से देख रहे थे, घिन से, क्या किसी काम का नहीं है, टीम हरवा देगा ये वगैरह। तो
स्कॉन। अगला शब्द है मार्ड बाय वायलेंस, मार्ड। तो देखिए यहाँ पर इसका मतलब होता है बिगाड़ना। अब यहाँ पे कैसे बिगाड़ा गया विद वायलेंस, और तरीके से भी बिगाड़ सकते हो आप, अभी दिखाता हूँ। बहुत एक्चुअली बहुत अच्छा शब्द है, इसको आप बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो आप। यू कैन से के वायलेंस मार्ड अ नंबर ऑफ न्यू ईयर सेलिब्रेशंस, काफ़ी सारे न्यू ईयर सेलिब्रेशंस को बिगाड़ दिया वायलेंस ने, हिंसा ने। लोग हिंसा को जाते हैं शराब पी के या कुछ भी करके, तो न्यू ईयर सेलिब्रेशंस मार्ड, दे आर बिगड़ जाते हैं वो। उसके अलावा सबसे बढ़िया सेंटेंस मैं ये कहूँगा, ध्यान से सुनिएगा। इन रियलिटी ओनली बैग्स अंडर हिज आईज एंड अनशेवन अपीयरेंस मार्ड हिज स्किन। वैसे तो काफ़ी सुंदर इंसान था, मगर जो आँखों के नीचे खड्डे रखे थे उसके, बैग्स कहते हैं ना, बैग्स अंडर हिज आईज, रात को जाग जाग के, और थोड़ी जो अनशेवन अपीयरेंस है, दाढ़ी वाड़ी रखी हुई थी, तो उसकी वजह से ही थोड़ा सा खराब दिख रहा था। वैसे जो है उस सही था, तो बस ये दो चीज़ें उसकी जो अपीयरेंस थी उसको बिगाड़ रही थी, ठीक है। उसके जो आँखों के नीचे के खड्डे और अनशेवन अपीयरेंस मार्ड हिज स्किन। अगला जो शब्द है वो है फ्रिवलस, फ्रिवलस। देखो इसका मतलब होता है एक ऐसी एक्टिविटी या ऑब्जेक्ट जो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, ना ज़रा सीरियस है। तो यहाँ पे कह रहे हैं नॉट डज इट नीड टू एम्प्लॉय द वॉइस ऑफ अदर्स और यूज फ्रिवलस पिन प्रिक्स वैन सीरियस इशूज आर एट हैंड। तो जब सीरियस चीज़ें हाथ में हो तो फ्रिवलस चीज़ों को हमें इग्नोर करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर सेंटेंसेस में यूज़ किया मैंने, आई फील लाइक डूइंग समथिंग कम्प्लीटली फ्रिवलस टूडे। हर किसी का मन करता है कि आज कुछ बिल्कुल ही, मतलब कोई अनइम्पॉर्टेंट सी चीज़ करता हूँ, कोई जिसका कोई हो ना, कोई सीरियस कोई चीज़ ना हो, यूज़लेस चीज़ करता हूँ, टाइम वेस्ट करता हूँ। तो कुछ लोगों को ज़्यादा भी करता है। और सेंटेंस दूसरा है कि समटाइम्स वी रिप्रेस आर गुड ह्यूमर बिकॉज वी आर अफ्रेड दैट अदर्स विल थिंक वी आर फ्रिवलस और फ्रिश। कभी कभी हम अंदर का जो हमारा ह्यूमर होता है वो दबा कर छुपा के बैठते हैं, क्योंकि डर लगता है कि लोग ना ये ना समझें कि क्या फ्रिवलस है या फुलिश है ये आदमी, इमेच्योर टाइप का है। तो ये भी इसको यूज़ करने का तरीका है। ये लीगल इसको आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हो, अ फ्रिवलस लॉ सूट इज़ नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट्स और लॉस बट हैज़ मलेशियस पर्पसेस। तो बेसिकली यही है कि कोई अगर बिना बात का ऐसे ही किसी को टेंशन में लाना हो, उस टाइप के लॉ सूट्स भी होते हैं, केस कर दो किसी पे बिना वजह, कोई फैक्ट्स नहीं है, कोई लॉस कोई आपको सपोर्ट नहीं करते इतना, तब भी उसको मतलब हरास करने के लिए, ठीक है। तो उसके पीछे मलेशियस पर्पस होते हैं, शरारती पर्पस। तो दिस इज फ्रिवलस। टाइम फॉर सम MCQs। तो आपके सामने एक EDM है, इसका मतलब बताना है आपको। तो EDM है ब्रोकन रीड। तो क्या इसका मतलब, सपोर्ट दैट फील्ड, एक सहारा जो फेल कर जाता है, या फिर एक टूटी हुई दोस्ती, या कंगाल, ब्रोक, या हेल्पलेसनेस। अटैम्प्ट करिए फिर आंसर बताता हूँ। ओके सो आंसर टाइम, होपफुली आपने अटैम्प्ट कर लिया होगा। देखिए इसका जो आंसर है वो है सपोर्ट दैट फील्ड। सेंटेंस से बताता हूँ कैसे यूज़ कर सकते हैं उसको आप। यू कैन से अंडर द स्ट्रेस ही शोड हिमसेल्फ टू बी अ ब्रोकन रीड। स्ट्रेस के अंदर जब वो स्ट्रेस के अंडर था, दबाव में था, तो एक फेल्ड सपोर्ट साबित हुआ, सपोर्ट नहीं कर पाया वो, ठीक है। सो ही वॉज अ ब्रोकन रीड, ही शोड हिमसेल्फ टू बी अ ब्रोकन रीड। अगला EDM है ब्राउन स्टडी। देखते हैं ये किसका सही जाता है, अटेम्प्ट जरूर करना कमेंट बॉक्स में। देखो अब बता रहा हूँ इसका आंसर क्या है। देखिए इसका आंसर स्टडी ऑफ नेचर नहीं है, शोइंग काइंडनेस भी नहीं है, बीइंग एनवियस भी नहीं है। इसका आंसर है एब्जॉर्ब्ड इन ओन थॉट्स, वंस थॉट्स, खुद ही के ख्यालों में खोए रहना, डे ड्रीम करना। सेंटेंस में कैसे यूज़ कर सकते हो, लॉस्ट इन अ ब्राउन स्टडी शी वॉज ऑब्लिवियस ऑफ द नॉइस। ऑब्लिवियस मतलब पता ना होना, ऑब्लिवियन में होना कि क्या आवाज़ आ रही है, क्या कुछ नहीं, बिल्कुल ख्यालों में खोई हुई है अपने, ठीक है। तो लॉस्ट इन अ ब्राउन स्टडी। फाइनल क्वेश्चन है परफिडी। परफिडी का आपको बताना क्या है, मैं नहीं बताऊँगा, PDF में इसका आंसर मिल जाएगा आपको, ठीक है। कोशिश करूँगा कल की क्लास में इसको डिस्कस भी करूँ विद सेंटेंस, और आगे जाके भी ये रिपीट होगा, टेंशन मत लेना। सो अभी के लिए पहले इसको अटेम्प्ट करो, पहली बार इंट्रोड्यूस हो जाओ इससे, बाद में मिलते रहेंगे। अब चलते हैं टास्क ऑफ द डे।
ओके सो टास्क ऑफ द डे, आपको एक सेंटेंस बनाना है ट्वाइलाइट के ऊपर। कोशिश करिए कि एज ए नाउन बनाए, एडजेक्टिव पे थोड़ा सा टफ रहेगा, होता है तो बना लेना। मैं ट्राई करूँगा उसको ठीक करने का, एंड गुड लक फॉर दैट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई सी यू टुमारो।